हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इस बार जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं, बिकॉज जस्ट एग्ज़ाम से दो दिन पहले एडमिट कार्ड आए और ऐसे बहुत सारे केसेस रहे स्टूडेंट्स के जहाँ पर उनका एडमिट कार्ड दो दिन पहले आया और उनका जो एग्ज़ाम सेंटर था वो 500 किलोमीटर दूर डाल दिया गया। जो चार चॉइस ली जाती हैं, जो फोर चॉइस आप लोग फिल करते हैं, उन चारों की चारों चॉइस में से किसी में भी आपको सेंटर नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि दो दिन पहले एडमिट कार्ड आया और उनका जो एग्ज़ाम सेंटर था वो 500 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा एग्ज़ाम हमेशा साल में दो बार होता था, इस बार साल में एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है पिछले तीन सालों से। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है एग्ज़ाम सेंटर पर, वो एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से एग्ज़ाम जो है अच्छे से बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। NTA से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं कि स्टूडेंट का क्या कहना है इन चीज़ों को लेकर के, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को अपीयर किया या फिर एग्ज़ाम को अपीयर नहीं कर पाए। मैं PWD कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरा एग्ज़ाम सेंटर 400 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। NTA वालों को भूल सुधारनी चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम लेना बंद कर दो, NTA वाले से नहीं बनता है। तो नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी ठाकुर है। एक मेरा एग्ज़ाम होने वाला था कॉमर्स का 29 सितंबर को, और जैसा कि सब नोटिस आए थे कि जिनका एक साथ ही होगा कॉमर्स का, फिर उसके बाद एक नोटिस आया कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है उनके उनके एग्ज़ाम होंगे 14 अक्टूबर को। 28 तक मैंने चेक किया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था। बार बार चेक किया तब भी मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकला। और ये नोटिस आया है कि जब जिनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होने के कारण शिफ्ट कर दिया गया है कुछ स्टूडेंट्स को 14 अक्टूबर को, तो हमने ये मान लिया कि हमारा एग्ज़ाम 14 अक्टूबर को होगा। इसके बाद हम रेगुलर 11 अक्टूबर से चेक करते जा रहे थे कि हमारा एडमिट कार्ड अब आएगा। नोटिस आया 12 तारीख को कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप जाके देख लीजिए। मैंने कई बार ट्राई किया, मेरा फ़ोन से भी नहीं निकला, बहुत ट्राई किया। उसके बाद में कैफ़े में जाके चेक किया, उन्होंने ट्राई करने के बाद जब मेरा एडमिट कार्ड निकला तो डेट शो हो रही थी 29 सितंबर को, मतलब मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। अब बताइए, मतलब नोटिस आते जा रहे हैं, क्लियरिटी अच्छे से देते नहीं हैं आप लोग, एडमिट कार्ड निकलने नहीं देते हो और एग्ज़ाम भी हो गया हम लोग 14 को। या तो क्लियर करो कि ये स्टूडेंट ये रोल नंबर है, उनके एग्ज़ाम इस शिफ्ट होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी मेहनत का क्या होगा? क्लियर चाहिए मुझे, ये सिर्फ क्लियरिटी चाहिए इस बात की। हाय, आई एम फ्रॉम चेन्नई। मेरा एग्ज़ाम शिफ्ट 2 में था और शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम 3 to 6 वो टाइमिंग पर होता है, और हॉल टिकट में भी साफ साफ डाला था कि द एग्ज़ाम विल बी स्टार्ट एग्जैक्टली ऑन 3 o'clock, बट मुझे एग्ज़ाम आधा घंटे के बाद स्टार्ट हुआ। 3:30 को एग्ज़ाम आके स्टार्ट हुआ क्योंकि पेपर अपलोड ही नहीं हो रहा था मेरे सिस्टम पर। सब कुछ पासवर्ड लॉगिन करने के बाद भी सिस्टम पे पेपर अपलोड नहीं हो रहा था। सच में बोल रहा हूँ मैं, जो आधा घंटा पेपर अपलोड होने में हो रहा था ना, मेरे दिमाग में वो डिले होने की वजह से मेरे दिमाग में मैं खुद को इतना डीमोटिवेट फील कर रहा था कि मैं खुद को गिव अप करने का सोच रहा था। पता नहीं आप लोग ये लोग क्यों इस तरह करते हैं, पता नहीं। इतना साल मेहनत करने के बाद स्ट्रगल करते हैं, जेन्यून प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, फ्यूचर में कुछ अचीव करने का सपना देखते हैं, ये सब करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद ये सब प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सच में बोल रहा हूँ, ये बहुत बहुत बुरा फील होता है स्टूडेंट्स के लिए। हेलो NTA, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं हम सभी बच्चे कि प्लीज़ आप जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम पर लीजिए, क्योंकि टाइम पर नहीं हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स का जो एक हौसला है पढ़ने का वो टूट रहा है। साथ के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको JRF देना है और क्लियर करना है, वो 3-4 साल से लगे हुए हैं बट उनकी एज भी निकल रही है, और एग्ज़ाम अब साल में 2 बार होने की बजाय 1 बार हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ एग्ज़ाम्स साल में 2 बार लें और एग्ज़ाम सेंटर वही दें जहाँ बच्चों ने सेलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। गर्ल्स को स्पेशली घर में बताना होता है, देन वी हैव टू अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। सो प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू, हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ एग्ज़ाम्स टाइमली कंडक्ट करें, लेट ना करें। दिसंबर का एग्ज़ाम लें, जून में एग्ज़ाम लें, उनको मर्ज। सो गाइस, जैसा कि आप सभी ने देखा कि UGC नेट के जो एस्पिरेंट हैं वो एक्चुअल में इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर डाल दिया जाता है जिसकी वजह से एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। प्लस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं वहाँ पर टेक्निकल इशू बहुत बड़े लेवल पे देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाते स्टूडेंट। अगर एक स्टूडेंट 6 महीने 1 साल लग करके पढ़ाई कर रहा है तो उसका ड्रीम है कि उसको वो क्लियर करे उस एग्ज़ाम को और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बने।
तो गाइज अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर देना, ताकि अगर अगर ये वीडियो एनटीए ऑफिशियल तक पहुँचे तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, इन चीज़ों को जो प्रॉब्लम एक्चुअल में जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं इनको रिजॉल्व कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को लेकर के डिमोटिवेट ना हो और जो उनका एक्चुअल ड्रीम है उसको अचीव करें। सो इस वीडियो में इतना है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।